बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम अ कंप्यूटर साइंस टीचर सैयद जिल्ले हसनैन रिजवी। आज हम चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसका सी पॉइंट है रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन रैम टू प्रोसेस अ डाटा। CPU टेक्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम रैम एंड प्रोसेस अ डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ permanent memory. In this type of memory, instructions and information are permanently stored. Dear student, RAM random access memory का मुखफ़ है। ये एक आरजी मेमोरी है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस रैम में स्टोर की जाती हैं। CPU डाटा और इंस्ट्रक्शन रैम से लेता है और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डाटा को प्रोसेस करता है। रोम रीड ओनली मेमोरी का मुखफ़ है। ये मुस्तकिल मेमोरी है। इस किस्म की मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और मालूमात मुस्तकिल तौर पर स्टोर की जाती हैं। स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छी तरह याद करें और कापी पर खूबसूरत लिखें। थैंक यू।